बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे के सियासी दलों ने अंदर खाने अपनी अपनी चुनावी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी से दोनों दलों के रिश्तों में आई खटास के सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। इतना ही नहीं, आगामी चुनावों में एनडीए के नेताओं को लेकर भी अटकलों का दौर जारी था, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से एनडीए में मचे तूफान को थाम दिया। सियासी जानकारों की माने तो अमित शाह के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शाह के बयान से सूबे की सियासत पर कौन से चार बड़े असर होंगे। नंबर एक, बड़बोले नेताओं पर लगाम। अमित शाह के बयान का सीधा असर एनडीए गठबंधन के उन नेताओं पर निश्चित रूप से पड़ेगा जो अपने बयानों और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे थे। आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमित शाह के इस घोषणा से सबसे ज्यादा आहत होंगे, क्योंकि उनके समर्थकों ने तो अगला मुख्यमंत्री गिरिराज जैसा अभियान भी शुरू कर दिया है। नंबर दो, एनडीए के चेहरे पर खत्म होगी कयासबाजी। नीतीश और बिहार एनडीए के बारे में अब किसी को कोई भ्रम नहीं रहेगा कि आखिर बिहार में एनडीए का नेता और चेहरा कौन है। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी में ये भी बात फिर से स्थापित हो गई कि सुशील मोदी ही सर्वमान्य नेता है। इस बार तो उन्हें भी पार्टी में किनारे करने की मुहिम चली थी जो विफल हुई। नंबर तीन, बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर होगा। शाह की घोषणा से बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति खत्म होगी। इस बयान का तत्कालिक असर उपचुनाव के परिणाम होंगे। यहां होने वाले उपचुनावों में जेडीयू के उम्मीदवारों को बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का खुलकर सहयोग नहीं मिल रहा था। जैसे अमित शाह का बयान आया, बिहार बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। और नंबर चार, विरोधी खेमे में मचेगी भगदड़। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद आरजेडी कांग्रेस के उन विधायकों को जिन्हें लगता है कि जीतने के लिए नीतीश के नेतृत्व की जरूरत है, वैसे लोग अपना ठोर ठिकाना ढूंढने की मुहिम तेज करेंगे। आरजेडी के बहुत सारे विधायक अपने नेता तेजस्वी यादव के व्यवहार से खुश नहीं चल रहे हैं। माना जा रहा है कि झारखंड चुनाव के बाद बिहार में कुछ सियासी दल, खासकर आरजेडी में भगदड़ मच सकती है। इंडिया न्यूज़ बारूल की रिपोर्ट।